भारत इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो गए हैं। बता दें कि भारत में कई ऐसी धरोहरें हैं जो कई हजार साल पुरानी हैं। इन्हीं में से एक है भीमबेटका। भीमबेटका को भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। भीमबेटका अपनी प्राचीन गुफाओं के लिए मशहूर है, जहां आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्र आज भी देखे जा सकते हैं। चट्टानों पर बने ये शैलाश्रय मनुष्य के तकरीबन 30,000 साल पहले के जीवन को दिखाते हैं। भीमबेटका में बनाए गए चित्रों में मुख्यतः नृत्य, संगीत, शिकार, घोड़े और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने और शहद इकट्ठा करने को दिखाया गया है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर हजारों साल पुरानी गुफाएं मौजूद हैं, जो यहाँ के प्राचीन इतिहास की गवाही देती हैं। कहा जाता है कि ये वो ही जगह है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। तो चलिए बताते हैं आपको इस जगह से जुड़ी कुछ और खास बातें। भीमबेटका की पहाड़ी में 750 से ज्यादा गुफाएं हैं, जो करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। ये स्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण पूर्व में करीब 46 किलोमीटर दूर स्थित है। भीमबेटका रायसेन जिले में आता है। यहाँ अन्य पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं। इन गुफाओं में मौजूद शैल चित्र ऑस्ट्रेलिया के कालाहारी रेगिस्तान में मौजूद काकाटू नेशनल पार्क, जहाँ बुशमैन गुफाओं और फ्रांस की लास काउस गुफाओं में बने चित्रों जैसे प्रतीत होते हैं। भीमबेटका की खोज 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने इस क्षेत्र को 1999 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। बाद में जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। भीमबेटका शब्द का अर्थ होता है भीम की बैठने की जगह। कहा जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने यहां अपना अज्ञातवास बिताया था। उस दौरान भीम ने यहां के चट्टानों पर बैठकर विश्राम किया था। इसी वजह से इसका नाम भीमबेटका पड़ गया। यहां गुफाओं में बाघ, सिंह, हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर, हाथी, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है। इस जगह को लेकर मध्य प्रदेश स्टेट गजेटियर के पूर्व संचालक शंभु दयाल गुरु का कहना है कि ये एक विलुप्त इंसानी दुनिया का प्रमाणिक दस्तावेज है, जो कि भारत की सबसे पुरानी बस्ती है। उनका कहना है कि आदि मानव की ये बस्ती करीब 1,00,000 साल पहले यहाँ बसाई गई थी। इसके अलावा कुछ कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 8,000 साल पहले आदि मानव ने खेती करना, जानवरों को पालना शुरू किया और जो कुछ उन्होंने देखा उनमें से कई चीजों को यहाँ बना दिया। बता दें कि यहाँ की भीमबेटका की पहाड़ी पर तकरीबन 700 से ज्यादा रॉक शेल्टर मिले थे, जो कि तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए हैं। इससे ये बात साबित होती है कि आदिवासी यहाँ कई किलोमीटर दूर तक घूमते रहते थे और चट्टानों पर चित्र बनाते थे। हैरानी की बात यह है कि इन चित्रों में जो रंग इस्तेमाल है वो आज भी वैसे के वैसे हैं। इतिहास के जानकार आशीष भट्ट कहते हैं, पेंटिंग में इस्तेमाल हुए रंगों को काले मैगनीज ऑक्साइड, लाल हेमटेट और चारकोल के संयोजन से तैयार किया गया था। भीमबेटका जाने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल है। वहीं अगर नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात करें तो उसका नाम उबेदुल्लागंज है। उबेदुल्लागंज से भीमबेटका की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है। हालांकि इस स्टेशन में ट्रेनें कम रुकती हैं, ऐसे में सबसे ठीक भोपाल ही पड़ेगा। यहाँ पर कुछ प्राइवेट होटल और ढाबे हैं, जहाँ से आप खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक है। प्रवेश के लिए प्रति भारतीय चार्ज 50 रुपए है और विदेशियों के लिए 100 रुपए प्रति पर्यटक शुल्क देना पड़ता है। भीमबेटका की गुफाओं का नजारा आपने देखा होगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद।